नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धीरेंद्र डबास द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेंद्र डबास। तो दोस्तों, पिछला वीडियो आपने देखा वॉकिंग स्ट्रीट का, आशा करता हूं कि वो आपको पसंद आया होगा। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, वो है पताया में शॉपिंग। तो दोस्तों, बैंकॉक में शॉपिंग तो सभी करते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि आप पताया में शॉपिंग कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो मॉल दिखाऊंगा, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का जो वीडियो है वो है पताया में शॉपिंग। तो जैसा कि आपने जो है इंट्रो में देखा, टर्मिनल 21, जी हाँ, इस मॉल का नाम है टर्मिनल 21, और ये पताया में मोस्ट फेमस मॉल में से एक है। तो दोस्तों, अगर आप पताया जाते हैं तो इस मॉल में ज़रूर जाएं। इसमें जो है आपको मिलेंगे सारे के सारे ब्रांड्स, वो भी जायज़ रेटों पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो है यहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो जो पताया में टुक टुक चलते हैं दोस्तों, वो सेंट्रल पताया की तरफ कोई भी टुक टुक आएगा तो मात्र 10 बात में आपको टर्मिनल 21 पर छोड़ देगा। 10 बात जाने के और 10 बात आने के। और ये वॉकिंग स्ट्रीट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है, और ये सेंट्रल पताया में है। तो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको टर्मिनल 21 मॉल। और ये ज़्यादा फेमस क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये मॉल जो है एक तो बहुत बड़ा मॉल है, एक 5 मंजिला मॉल है, और इसमें हर तरह का ब्रांड है। और सबसे अट्रैक्शन की जो चीज़ इसमें बनाई गई है दोस्तों, इसमें वो छोटे छोटे मिनिएचर बनाए गए हैं वर्ल्ड के चुनिंदा, जो वर्ल्ड में जो फेमस है, जैसे कि लंदन ब्रिज हो गया, और जो है जो दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो देखिए, छोटे छोटे जो है इतने अट्रैक्टिव चीज़ें बना रखी है। ये देखिए, एफिल टावर बना रखा इन्होंने पेरिस का। तो दोस्तों, आप जो है यहाँ पर आके मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ, आप वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, और आपको यहाँ हर ब्रांड मिलेगा, और वो भी जायज़ रेटों में, इंडिया से जो है कम रेट हैं। जेन्युइन ब्रांड मिलेगा, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक 5 मंजिला मॉल है। इसमें हर जो है फ्लोर पे कुछ ना कुछ अलग है, तो और हर फ्लोर पे आपको कुछ ना कुछ वर्ल्ड का जो फेमस जो है मिनिएचर देखने को मिलेगा। तो एक बात और बता दूं दोस्तों, इसमें आप अपनी मनपसंद चीज़ कैसे ढूंढेंगे, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ लेनी है तो इसमें जगह जगह एक तो गार्ड खड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि आप गार्ड से ना पूछना चाहें तो हर जगह, हर फ्लोर पर स्क्रीन लगे हुए हैं, आप उस पर जाएंगे, सर्च करेंगे, और जो है आपको वो बताएगा कि कौन सा फ्लोर है और कौन सी शॉप नंबर है। तो देखिए, आपने ये देखा, छोटी सी मॉल में जो है, ये छोटी सी जगह में जो है नाव भी चला रखी है इन्होंने। तो देखिए, मुझे तो ये मॉल जो है बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा लगा। मैंने तो इसका जो ये वॉशरूम देखा दोस्तों, ये भी लाजवाब था। हर फ्लोर पे जो वॉशरूम इन्होंने बना रखा है वो अलग थीम पे है, अलग अलग जो है थीम आपको मिलेंगी हर फ्लोर पर, हर वॉशरूम की। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। और सबसे टॉप फ्लोर पर जो है आपको मिलेगा फूड कोर्ट, यहाँ पर खाना भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो देखिए, ये सबसे ऊपर हॉलीवुड है, आप यहाँ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मॉल है ये। देखिए, हर फ्लोर पे, हर थोड़ी सी दूरी पे कोई ना कोई फेमस मिनिएचर आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप यहाँ जाएंगे तो आपका टाइम बहुत अच्छे से पास होगा। आपको 2 से 3 घंटे का पता भी नहीं चलेगा कि हम जो है यहाँ 2-3 घंटे हमें घूमते हुए हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मॉल है, 4-5 मंजिला है, और हर तरह का जो है सामान आपको मिलेगा, कॉस्मेटिक का मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलेगा। मैंने जो यहाँ पर जो है पता किया था इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे कि GoPro कैमरा 10 जो है आया, जो लेटेस्ट आया है, उसका पता किया था। एक ड्रोन है जो DJI ओस्मो वालों का है, और मैंने पता किया था एप्पल का फ़ोन। तो काफ़ी जो है पैसों में भी काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों, और बहुत कुछ है देखने का। ये ऊपर जो है इसका फूड कोर्ट है दोस्तों। तो आप जाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ, हमने आपको काफ़ी अच्छी जगह दिखाई है। तो दोस्तों, आप जो है तब तक इस मॉल का आनंद लीजिए, मैं मिलता हूं आपको आगे।
तो दोस्तों जैसा कि मैं प्राइस में जो है डिफरेंस बता रहा था इंडिया और जो है थाईलैंड का, तो ये यहाँ पे मिल रहा था 32,737 और इंडिया में मिल रहा है 74,999 का। और ये एक दूसरा मॉडल है DJI मिनी, ये मिल रहा है वहाँ पर 45,864 का और इंडिया में मिल रहा है लगभग 85,000 रुपये का। तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि आईफोन जो फ़ोन है वो उनमें कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों तो जो आईफोन है 128 GB का और 256 GB का, तो देखिए एक लगभग 20,000 रुपये डिफरेंस इसमें है और लगभग 18,000 रुपये डिफरेंस 128 GB वाले में है। तो काफ़ी अच्छी जगह है और ये है यहाँ से बाहर का नज़ारा। तो काफ़ी मज़ा आया दोस्तों मुझे इस मॉल में घूम के, आप भी जाएंगे तो डेफिनेटली मज़ा करेंगे। तो दोस्तों ये था टर्मिनल 21 मॉल, और अब थोड़ी सी बातें करते हैं। जब तक मैं आपको अगला मॉल नहीं दिखाता तब तक मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूं यहां के बारे में कि यहां खाना कैसा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मैं रुका था हाइसो होटल पटाया में, जो कि साउथ पटाया में है और बिल्कुल नोवा प्लेटिनम के सामने एक सरदार जी की जो है ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर खाना वाजिब दामों में और बेहद टेस्टी है। और यदि आप बूफे खाना चाहते हैं तो इसके बिल्कुल जो है नोवा प्लेटिनम के साथ में ही ऊपर जाके एक बूफे है जो 200 बात में आपको अनलिमिटेड खाना देता है। तो चलिए अब चलते हैं एक और नए मॉल में जिसका नाम है सेंट्रल पटाया मॉल, और ये बिल्कुल पटाया बीच पर ही है, पटाया बीच रोड पर ही। तो दोस्तों वॉकिंग स्ट्रीट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लगभग 300-400 मीटर दूर ही है। और इसमें है मोस्ट फेमस बिलीव और नोट, ये भी उन मेन अट्रैक्शन में से एक है दोस्तों जिनको आप जो है पटाया जाकर घूम सकते हैं। बिलीव और नोट ये ऊपर है दोस्तों, और आप यदि जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है मॉल है, और ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये दोस्तों जितना 21 था, लेकिन काफ़ी अच्छा है। इसमें भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं और जो है फूड कोर्ट भी है, और एक दो जो है बच्चों के खेलने लायक जो चीज़ें हैं वो भी है। तो आप जो है डेफिनेटली यहाँ पर भी जो है जा सकते हैं, अपनी शॉपिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जो है किसी अच्छी सी जगह पटाया की। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।